Hey, what's up, Legit Gang? और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुनावर और फरहान खान के ट्रैक पर जिसका नाम है कलंदर। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुनावर फारूकी एंड फरहान खान ने हमारे चैनल और वीडियोस रिएक्शंस के नीचे कमेंट करा है ब्रो, उनको अच्छा लगा है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए ना। yeah. और हमें भी अच्छा लगना चाहिए, आप सब्सक्राइब करो। yeah. हमें भी और अच्छा लगेगा। तो ये सीन है ब्रो, मुनावर ने पिछली बारी कमेंट करा था, बोला था कि कलंदर देखो। yeah. बिल्कुल देखेंगे ब्रो, खुद ने कमेंट करा तो क्यों नहीं देखेंगे भाई। बिल्कुल, सो लेट्स गो एंड वाइब लेते हैं। ट्रैक कैसा, क्योंकि भाई दोनों लिरिक्स सिस्टम भाई अच्छे बहुत। yeah. मजेदार है ब्रो, लेट्स गो। नागपाड़ा का राइडर, ये मीम सा भी था। अच्छा जगह का नाम है ना। ओके ओके ब्रो, ऑर्डर टू नाइन। ये ब्रो आने वाला है, मतलब भाई बाइक वाइक पे फुल लेके। ओके मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे। लाइन भाई, सूखी जमीन कब बरसोगे। या ब्रो मतलब लिरिक्स भाई, मतलब वो शायरी जो है ना लेवल ब्रो, वो है और वो अच्छा लगता है भाई। मेरे नाम से ही नायाब हूँ, आज दाम कोई लगा नहीं सकता। रौनक तो वैसे भी आ जाती है ना, क्या कहते हो, स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, रौनक तो आती है। भाई दाम कोई लगा नहीं सकता। बिल्कुल, फुल इतना नायाब हूँ, आज दाम कोई लगा नहीं सकता। गरीब बचपन से लगाई अब शर्त है, फरीद सबसे हूँ आवाज में ही तर्क है। फर्क है मैं चढ़ता नहीं भीड़ लेके, अकेला हक पे मैं पैदा हुआ। की लगा रहे प्रोपेलर आगे। हाँ। बच्चों की मूवियों में होता है भाई वो, मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं कह रहा बेकार लग रहा है, पर हाँ मतलब थोड़ा वो कैरेक्टर रहता है, चटकीला सा लग रहा है ना, घूम रहा है वो बस। फर्क है मैं चढ़ता नहीं भीड़ लेके, अकेला हक पे मैं पैदा हुआ भीड़ लेके, बाकी बस सब तो फसाने दर्द के गाऊं क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या। वो कहते चुपते मेरे लफ्ज उन्हें बहुत चीर देगी, खामोशी चुप हो जाऊं क्या। सजा के जुगनू देता राहत हूँ मैं रात को, उतारू कागजों पे पूरी कायनात को, आईने भी टूट जाते मेरा चेहरा देख, उन्हीं टुकड़ों पे लिखता जज्बात को। ब्रो बहुत सही, और वहां पे लिरिक्स नहीं आए, लिरिक्स जैसे आ रहे थे ना सब टाइटल, वहां पे नहीं थे। अच्छा, हाँ एंड लाइन पे मतलब टूटे पूरे बार पे, उस पे जज्बात जज्बात लिख देता हूँ टूटे हुए शीशों पे। ब्रो मेरे को देख के, मैं मतलब मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मेरा दर्द देख के शीशा चटक जाता है, फिर जो दर्द रहते हैं उन्हीं टुकड़ों पे लिख देता हूँ ब्रो। मिस्टेक हुई है वो या फिर सच में रखा है कुछ, बोलने के लिए सीधा डायरेक्ट पहचानो तो भी बात फील लो। हाँ। सर पे जिम्मेदारी ख्वाहिशों को अपनी मारा, जताते कह के सब तो लिया ना सहारा, मानता हूँ मैं हारा हूँ हजारों जंग, खुदा गवाह एक बार भी ना हिम्मत हारा, डूबा खुद में कैसे कोई कुआं रोके, जलते सारे मैं आगे बढ़ता धुआं होके, न कभी देखता आगे क्या मुसीबत है, मेरे पीछे काफिले हैं चलते दुआओं के, मैंने तूफान से लड़के लौ जलाई है। एक तरीके से कह रहा है कि भाई हर जगह से दुआ मिलती है तो काफिला है, मतलब मेरे पास पूरा दुआओं का। yes. सही है ब्रो, मिल भी रही है ब्रो, मिल yes. भी रही है। यस, तब जाके रब ने ये नियामत सजाई है, मेरे अंधेरे तो रात से भी काले थे, आपकी खातिर मैंने नींद को आग लगाई है, मेरी कलम मेरी कुवत चाहे मंजिल जलाने, अंधेरा जलाना उजाला। बिल्कुल भाई, पूरा रात और अंधेरा, या वही ना, उससे भी ज्यादा अंधेरा, मतलब अंधेरा था और फिर मैंने आग लगाई है तो उजाला दिख रहा है, ये वो जलाना ना, तो उजाले की जैसे दिखा उसे जलाने की जैसे, तो रेफरेंसेस ब्रो बहुत टाइट है भाई ये, सही में भाई कितना ये भी करता है वो भी करता है सब बढ़िया करता है, बहुत सही है। यस, मेरी हुकूमत मैं लहरों पे समंदर लिख दूं, दम इतना मैं मस्त रहता खुद ही मैं खुद की पेशानी पे कलंदर लिख दूं, सड़कों पे बैठा के कलंदर, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से मेरे पैरों में मखमल में रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, सपनों को जिंदगी दी वही, और ये बार बार ना इसको देख रहा है फराना, उसको देख रहा है वो, क्या क्या कहते हैं इसको, विंडमिल, क्या बोलते हैं इसको, विंडमिल कहते हैं, पता नहीं भाई क्या कहते हैं इसको, पर मैंने देखा है बच्चों को विंडमिल, असली वाले को तो विंडमिल कहते हैं। हाँ,
छोटे वाले साइकिलों के आगे लगा के रखते हैं बच्चे बाइक। मेरे को समझ नहीं आ रहा, स्कूल में बनाते भी थे वो पेंट से, तो वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। सही है, विंड मिल ओरिजिनल तो विंड मिल होता है, और इसको हाथ वाले को मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं, बहुत टाइम पहले बनाया था। बताओ क्या कहते हैं? हाँ भाई बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज। पुरानी चीज हो गई है, मिटने की कगार पे है। यस, कम नहीं है कि क्या है। सपनों को जिंदगी दी मैंने, खुद को मौत दे के, लफ्जों में जान डाली मैंने बस खामोश रह के, जनाजा भारी सीने पे घूमता बोझ लेके, कोहे तूर से भी है मजबूत मेरे हौसले, ये इरादा टूटा नहीं, खुदा से जुदा नहीं, दिलों में बसता रब तो कभी मस्जिदों में ढूंढा नहीं, चलू मैं रोज ताकि बुझे घर का चूल्हा, नहीं भटकता मैं मुसाफिर पर मैं मंजिलों को भूला नहीं। आंखों से लिरिक्स हट क्यों रहे है ना? हाँ, एक और बार पीछे हटे। हाँ पहले भी हटे थे ना, मतलब सेक्शन, अब वो पता नहीं जानबूझ के हटाए हैं कि हटे, हर चौथे बार भी ऐसा हो। लास्ट लाइन जो है, लास्ट लाइन, हाँ, लास्ट लाइन जो है वो छोड़ रहे हैं, मतलब अब वो शायद इम्पैक्ट के लिए खुद ही सोचो करके शायद उसलिए कर रहे हैं, तो जो कि सही है ब्रो, लग रहा है दिमाग। और अभी तो वो जो लास्ट वर्ड थी उसका तो मीनिंग ही नहीं पता, वो शायद उर्दू वर्ड था जो भी था, मैं समझ नहीं आया। जलूं मैं रोज ताकि बुझे घर का चूल्हा, नहीं भट, और ये लाइन बहुत ही खतरनाक है जिसमें वो कह रहा है कि मैं रोज जलता हूँ कि घर का चूल्हा ना बुझ जाए। तो भाई ये कितनी खतरनाक लाइन है सच्ची में ब्रो, मतलब लिखाई है ब्रो, लिखाई है बहुत से, कि मैं रोज एक तरीके से मतलब स्ट्रगल करता हूँ तो तब जाके घर में रोटी बनती है, ये तो मतलब बहुत रियल लाइन ब्रो, रियल। भटकता मैं मुसाफिर पर मैं मंजिलों को भूला नहीं, आंखों से बहता नीला रंग मेरी याश की है, देखा बस गुरूर तुम ना वाकिफ मेरी सादगी से, कलाकार ही बस जाने कैसे उसकी रात बीते, होते ही अंधेरा दिल लगाता बस वो चांदनी से, मैं लिख के बस दिखा के लूटपाट करने वाले की। भाई मेरे को फराना करेक्टर ऐसा लग रहा है अभी लूटेगा, क्योंकि अरे टक्कर मार दिया, अब आएंगे बंदे लूट लेंगे, देखते हैं ब्रो, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। बीते होते ही अंधेरा दिल लगाता बस वो चांदनी से, मैं लिख के बस दिखाता तुझे आईना हूँ, गलती मेरी इसमें क्या की पसंद तुझको आए ना तू, बातें खींच के बनाता मेरा दायरा, क्यों फिर मैं तुझे आईना दिखा रहा हूँ तू कैसा है, और तेरे को पसंद नहीं आ रहा, तेरी गलती है, सच्चाई दिखा। लिरिक्स ब्रो, लिरिक्स, खांसी हो रही है ब्रो, बहुत खतरनाक लिरिक्स हैं। तू बातें खींच के बनाता मेरा दायरा, क्यों फिर भी गाने डालूं तुझे हर गाने में जायका दूं, बड़ी किताबें नहीं सिखाता मुझे बीता कल, नींद में मैं चलूं ख्वाबों का राह में पीछा कर, पर ये है मैराथन तो कहता धीमा चल जल्दी, नींद में नहीं चलता पर ख्वाबों का पीछा कर रहा हूं, पीछा कर। भाई लाइन भाई इतना सही कैसे लिख लेते हैं भाई लोग, रोशन भाई मैं तो बता रही, रोशन तो तब भी लिख लेता है, मैं पता नहीं कब लिखना चालू करूंगा, ये चीज सोचने मतलब मेरे से भी नहीं होगा, कुल मिला के सब हो जाएगा, इससे मजाक कर रहा है, ठीक है। खाएगा फिर कैसे मीठा फल, नजर के भार हूँ मैं, सबर के साथ हूँ मैं, ये रैपर मुर्शिद है, अदब से मेरे हाथ चूमे, कितनों की सदों कितनों की बना आरजू मैं, खामोश दिलों की छुपी हुई आवाज हूँ मैं, घर का चिराग हूँ मैं, सबको मैं रोशनी दूँ, मंजिल मिलेगी पर सफर से अपने लौटनी तू, तू तेरी सोच से बड़ा है ज्यादा सोचनी तू, बस अपने दिल की सुन तू, खो जाता है शोर में क्यों, सीखा है तैरना गमों में मैंने, डूब के पैरों में छाले फिर भी रिश्ता रस्तों से और धूप से, हम भी का खून कागज को कहते हैं डेडिकेशन ब्रो, डेडिकेशन ब्रो, धूप भी है फेवर में छाले में, तब भी ब्रो चल रहा है ब्रो, रिश्ता है मतलब ये चीज हो गई, मतलब एक तरीके से कि ये तो हो नहीं था, जैसे डकैत वाली लाइन थी कि मुझे तो घिसना ही था, हाँ वैसे ही है, अंबिका खूब कागज को कहते महबूब है, सिया ही जान तो छिड़कता हूँ उसे माशूक पे, हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों में मखमल में रोको, खुशियाँ बांट रहा है एक तरीके से, मैं गैस कर सकता हूँ ऐसा कुछ लग रहा है, मुनावर खुशियां बांट रहा है ब्रो, इसकी तो शक्ल इतनी प्यारी सी है भाई, लग भी रहा है खुशियां बांटेगा। मेरे दोस्त दिखता था स्कूल में ऐसी डिट्टो। भाई बस लग रहा है ब्रो, बच्चों को खुश कर रहा है वो भी। मैं मखमल में रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से। भाई ब्यूटीफुल ट्रैक ब्रो, मुनावर ही होगा बैकग्राउंड भाई, ये जो वोकल खींच रहा है तो बहुत सही है भाई, और गलत भी हो सकते हैं मेरे कुछ चीजें, मतलब गाने में वर्स में सब मस्त है, पर कुछ लाइनें की अलग ही चमकी है दोनों की भाई, ये तो है, मतलब जो भी लेवल है उनका लिखने का वो तो है ही, और उस लेवल में कुछ लाइनें ऐसे हैं जो कि पंच लाइन समझो कुछ भी समझो, चमक रही हैं ब्रो, पंचेस आ रहे हैं क्या भाई, क्या बोल रहे हैं, रिश्ता है वो, और फिर जो अंधेरा वाला हिसाब के था मुनावर वाले में, लाइक उस वर्स में तो खतरनाक अंधेरा है, फिर मैंने जला के उजाला करा और वो सब चीजें,
तो है इम्पैक्ट दोनों की लाइनों में, कुछ ऐसे है जो एकदम याद रहेगी वर्स में। मतलब मस्त है भाई गाना, बहुत स्टोरी टेलिंग टाइप भी है और दर्द है ब्रो, फीलिंग्स हैं। और मुनावर का हैप्पी पार्ट था शायद थोड़ा, है ना था हाँ, क्या? थोड़ा हाँ, वो बाट रहा एक तरीके से फरहान खान वाले में, ये था कि हाँ वो ऐसा सैड बन ज्यादा हाँ, उसका थोड़ा बोले तो मतलब बहुत ही उसका सैड ही था सिर्फ हाँ, उसका कोसना और ये सब ही था कि मैंने तो जो हो रहा है हो ही रहा है ब्रो, ऐसा ही चल रहा है ऐसा ही चल रहा है वाला सीन था। और हुक भी गा रहा था मतलब मुनावर फारूकी, तो हुक में तो हैप्पीनेस आ रही थी पूरी पूरी। यस ब्रो, और इसकी शक्ल भी इसकी हैप्पी हैप्पी, और इसका कैरेक्टर भी ऐसी है ना ब्रो, मस्त है ब्रो। मतलब मजा आया भाई, मजा आया गाने में यह ब्रो। और गाने भी चेक करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जाना। मुनावर फारूकी ने कमेंट कराया ब्रो, और फरहान खान ने भी कराया भाई कमेंट, बिल्कुल। तो आप सब्सक्राइब नहीं ठोक सकते क्या, ठोको जल्दी। यस, सो लेट्स गो मैन। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।